हेलो। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अपॉर्चुनिटीज क्या है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से, यानी कि जॉब्स, करियर्स और पोजीशंस क्या अवेलेबल है दुनिया में, जहाँ पे आप काम करके प्रोग्रामर की तरह काम करके पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे कि आपके पास अगर प्रोग्रामिंग के स्किल्स हैं तो आपको डिग्री की जरूरत नहीं है प्रोग्रामर बनने के लिए या जॉब लेने के लिए। जैसे कि वेब और एप्लीकेशन डेवलपर, आप इन कंपनीज में जैसे कि गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये कंपनीज में इसके बहुत सारे जॉब्स हैं। गेम डेवलपर, जैसे कि आपको पता है बीजीएमआई या पबजी या फिर कैंडी क्रश, इस टाइप के गेम्स जो है वो सब सब प्रोग्रामिंग से बने हुए हैं। रोबोटिक्स प्रोग्रामर बन सकते हैं आप, जिसमें बेसिकली ये चीज है कि जो भी हमारे आज प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, जैसे कि टीवी हो गया या फिर छोटी सी छोटी चीज जैसे कि पेन, पेंसिल, इरेजर, ये सब चीजें भी जो बनती है, ये भी फैक्ट्रीज में जो बनती हैं वो रोबोट से बनाई जाती हैं। और इन रोबोट्स को कंट्रोल प्रोग्रामिंग से किया जाता है कि किस तरीके से बनना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कितने साइज का बनना चाहिए, कोई इरेजर हो गया तो वैसी चीजें हैं, ये अपॉर्चुनिटीज हैं। इसके अलावा आप मशीन लर्निंग इंजीनियर भी बन सकते हैं, स्टार्टअप फाउंडर भी बन सकते हैं और डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। मशीन लर्निंग इंजीनियर उस टाइप के इंजीनियर्स होते हैं, जैसे कि अगर आपको एग्जांपल दिया जाए तो जैसे इंस्टाग्राम अगर आपने देखा होगा तो उसमें रील्स और पोस्ट आते हैं, ठीक है। तो आपके इंटरेस्ट के रील्स और आपके इंटरेस्ट के पोस्ट कैसे दिखाता है आपको इंस्टाग्राम, वो है मशीन लर्निंग का एप्लीकेशन। मशीन लर्निंग में मतलब मशीन को सिखाया जाता है कि आपको क्या पसंद है, किस टाइप के फोटोज वीडियोज पसंद है। जैसे अगर आप खाने की फोटोज या वीडियोस लाइक कर रहे हैं तो आपको खाने की ज्यादा फोटोज और वीडियोस दिखाई जाए। तो इस तरीके से मशीन लर्निंग इंजीनियर वो होते हैं जो मशीन को कुछ सिखाते हैं ताकि उसके बेसिस पे आपको कुछ एक्शन कराया जा सके, आपके लिए कुछ फायदा कराया जा सके। सेकेंड चीज होती है स्टार्टअप फाउंडर। स्टार्टअप फाउंडर मतलब आप अपना खुद का बिजनेस खोल सकते हैं। स्टार्टअप आज आपने सुना होगा, अगर किसी ने शार्क टैंक इंडिया शो भी देखा होगा सोनी पे, तो वैसा भी है। बेसिकली ये है कि आप अपने खुद की छोटी कंपनी स्टार्ट कर सकते हो बिना कुछ ज्यादा पैसा लगाए या पैसे के बिना, और आप अपनी कंपनी को धीरे धीरे बड़ा कर सकते हो, प्रोग्रामिंग बेस्ड कंपनी को। जैसे कि एग्जाम्पल है फेसबुक, अगर आपने देखा है, फेसबुक अगर आपको पता होगा तो वो शुरू हुआ था सिर्फ एक वेबसाइट बना के। मार्क जकरबर्ग ने सिर्फ एक वेबसाइट बनाई थी, उसके बेसिस पे उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी आज के डेट में। और रही बात हम आते हैं डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट पे, तो ऐसा है कि कोडिंग से अभी आप ये डिसीजंस बना सकते हैं, ये चीजों को डिसाइड कर सकते हैं जो पहले नहीं की जा सकती थी। जैसे कि आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, सबसे पहले समझो आपके पास 5 रुपए की डेयरी मिल्क है और 10 रुपए की डेयरी मिल्क है, और ज्यादातर बच्चे 10 रुपए की डेयरी मिल्क ही खरीद रहे हैं। तो अब आप फैक्ट्री में कौन सी टाइप की डेयरी मिल्क ज्यादा बनाएंगे? ऑब्वियसली आप सब बोलेंगे कि 10 रुपए की बनाएंगे ज्यादा, क्योंकि 10 रुपए की ज्यादा बिक रही है। इसी डिसीजन, इस टाइप के डिसीजन को लेने के लिए डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं वो प्रोग्राम लिखते हैं जिससे पता चलता है कितनी चॉकलेट बिकी है समझो, और उससे डिसाइड करते हैं कितनी चॉकलेट मैन्युफैक्चर करनी है, कितनी चॉकलेट नहीं बनानी है। ऐसे सब अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कंपनीज में ये वाले रोल्स होते हैं। और छोटी से छोटी कंपनी में आज के डेट में डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस का काम चलता रहता है, जिससे डिसाइड करते हैं कि क्या किया जाए, क्या कितना बनाया जाए। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम देखेंगे कि मेराकी हमारी इस ड्रीम में कहाँ पे फिट इन होता है, ठीक है। तो मेराकी ऐसा है, बेसिकली मेराकी इज अ जॉब रेडीनेस एप्लीकेशन विच प्रिपेयर्स यू फॉर करियर्स इन टेक्नोलॉजी। यानी कि मेराकी आपको जॉब के लिए रेडी करने के लिए, जॉब के लिए प्रिपेयर करने के लिए, टेक्नोलॉजी में करियर्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए हेल्प करता है आपको, प्रोग्रामिंग, इंग्लिश और टाइपिंग स्किल सिखा के। आप इनमें से कोई भी सीख सकते हैं मेराकी पे आके। अब हम इसके बाद ना एक छोटा सा डेमो देखेंगे कि मेराकी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप साइन अप कर सकते हैं, कैसे आप उसको यूज कर सकते हैं और कैसे आप उससे सीख सकते हैं।